में प्रीति आपका स्वागत करती फिर से नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारे घर में रुद्र अभिषेक पूजा हो रही जो सावन में हुई थी और वो सोमवार के दिन हुआ था। इस वजह से मंदिर से आने के बाद घर पे मैंने पूजा रखी थी और वो ब्लॉग इससे पहले वाले ब्लॉग में है। और यहाँ पर शिव जी मेरे तैयार हो गए, पंडित जी भी आ गए, मैं भी तैयार हो गई और यहाँ पर सारी सामग्री भी आ गई और मेरे शिव जी और नंदी बाबा भी आ गए हैं। देखिए उनको तैयार करने के लिए हम लोग सारे विधि विधान से सारी पूजा अर्चना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम लोग आधा पूजा संपन्न, हमारी आधा पूजा भी संपन्न हो चुकी है। यहाँ पे देख लीजिए सारा पूजा हो रहा था। जया सागर गामन सम्भुनते जया दुख धरे द्रवि नाश करे जया हो। बीच में पंडित जी अपना भजन कीर्तन करते जा रहे थे जिससे पूजा में बहुत अच्छा मन भी लग रहा था। और यहाँ पे शिव जी को हम लोग दही दूध मधु से अभिषेक कर रहे थे, उनको अच्छा से अर्पण कर रहे थे। और यहाँ पे मेरा तो बहुत स्थिति ख़राब था, मुझे सुबह से ही बहुत फीवर था, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बोलते हैं ना जहाँ पे भक्ति है वहाँ पे शक्ति, और मैं वहाँ पूजा में सोची कैसे बैठूँगी कैसे करूँगी, लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे पूजा स्टार्ट हुआ मन को भी शांति लगने लगा और शरीर में जितनी भी तकलीफ थी मेरे सभी ख़त्म हो गए थे। और मैं एक्चुअली मैं बाहर चली गई थी, इस वजह से मैं सावन में स्टार्टिंग में नहीं करवा पाई। लास्ट में पंडित जी को एक दिन में ही मैंने सब कुछ तैयारी भी की और सब कुछ कराया भी। और यहाँ पे बहुत जल्दी हम लोगों का पूजा, वो ब्लॉग मैं अभी नहीं डालूंगी, वो ब्लॉग भी मैं जल्दी डालूंगी। और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे शिव जी को हम लोग धीरे धीरे सब कुछ अभिषेक कर रहे हैं और उन्हें अच्छे से तैयार कर रहे हैं रुद्र अभिषेक के लिए। फिर इसके बाद पंडित जी एक एक करके विधि विधान से हमारी पूजा अर्चना करवा रहे हैं। और वैसे ही बोलते हैं सावन में रुद्र अभिषेक और शिव जी को ज़रूर याद करना चाहिए। सावन में तो हर सोमवार को सब कुछ शिव जी को करते हैं, लेकिन बीच बीच में भी सावन में रुद्र अभिषेक और शिव जी की और भी पूजा की जाती है। यहाँ पर हमारा रुद्र अभिषेक पूजा स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा पूजा करती हूँ फिर ब्लॉग बनाती हूँ। मुझे तो मेरे यहाँ कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जो ब्लॉग बना सके, उसी में बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी, पूजा भी कर रही हूँ, सब कुछ भी कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग का रुद्र अभिषेक पूजा कंप्लीट हो गया। शिव जी को हम लोग दूध दही मधु केतारी का रस, फिर से आपका गुड़ का रस और फिर क्या बोलते हैं नारियल पानी का रस से हम लोग अभिषेक करने के बाद वहाँ पे वो पूजा समापन हो गई। उसके बाद फिर हवन हुआ। हवन करने के लिए यहाँ पे हस्बैंड को ही किया जा रहा है। यहाँ पे सबको मम्मी पापा हम लोग सबको ऑल फैमिली में बैठ के हम लोग सब पूजा कर रहे थे और बहुत मन को सुकून लग रहा था और मेरा तबीयत भी पहले से थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। देखने से मेरा पूरा चेहरा का हालत ख़राब था, लेकिन बट जैसे जैसे पूजा करते जा रहे थे वैसे वैसे मेरा शरीर का सारा प्रॉब्लम भी ठीक हो रहा था। और यहाँ पे मेरे शिव जी भोले बाबा सज धज के तैयार हो गए। देखिए बहुत खूबसूरत सजाया गया है और उनको अच्छा से एकदम बनाया गया है। और यहाँ पे हम लोग कभी बहुत अच्छे से पंडित, दो पंडित जी आए हुए थे जो हमारे घर के ही थे, हमेशा पूजा पाठ यही करवाते हैं। और यहाँ पे भी हवन देखिए तैयार हो गया, हवन भी हम लोग कर चुके हैं। और उसके बाद सब विधि विधान से एक एक करके पूजा हम लोग का संपन्न हो चुका है और मन को बहुत सुकून लग रहा था कि बहुत दिन से लग रहा था करवाना है, लेकिन हम लोग नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि मेरे ही कारण कुछ प्रॉब्लम ऐसा चल रहा था घर में कि नहीं करवा पा रहे थे। आजकल का प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन बोलते है ना शिव जी की जहाँ चाह होती वहाँ राह होती। एक दिन में ही सब कुछ हो चुका। और ये वीडियो लेकिन सॉरी थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं, इस वजह से ये वीडियो मैं थोड़ा लेट से डाल रही हूँ।
और मेरे जितने भी फैन हैं सबको भोले बाबा की कृपा बने रही और हमारे ऊपर भी उनकी कृपा बने रही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ही एंड करते, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक ले बाय, टेक केयर।